दोस्तों काजल राज देवगन उन चुनिंदा बॉलीवुड जोड़ियों में से एक है जो अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखने में कामयाब है। कपल गोल हासिल करने के अलावा इन दोनों ने कई मौके पर काम के लिए एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। उन्होंने इस प्यार होना ही था, दिल क्या करे और राजू चाचा जैसी कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर की। दोस्तों अजय देवगन ने साल 2008 में अपनी पहली डायरेक्शन फिल्म यूमी और हम के लिए अपनी पत्नी डायरेक्शन भी किया था। और हाल ही में एक मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान DDLJ स्टार ने अजय देवगन द्वारा निर्देशित होने के अपने अनुभव के बारे में बात की। दोस्तों काजल ने अपने एक्सपीरियंस को अद्भुत बताते हुए कहा कि अजय देवगन उन बेस्ट डायरेक्टर में से एक है जिनके साथ उन्हें काम करने का सौभाग्य मिला। काजल ने कहा कि वह अजय देवगन से उन्हें निर्देशित करने के लिए कहती रहती हूँ। मैंने सोचा था कि आपको मुझे फिर से अपनी फिल्मों में लेने की जरूरत है, हमें एक साथ फिल्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शायद उनके पति परफेक्ट स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही है। दोस्तों काजल ने यह भी बताया कि उन्हें अजय देवगन की कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन उन्होंने उनकी बहुत सारी फिल्में नहीं देखी। अब उनसे उनके सबसे पसंदीदा अजय देवगन की फिल्म के बारे में सवाल किया गया तो अभिनेत्री ने कंपनी, भगत सिंह और जख्म का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने रनवे 34 में उनका प्रदर्शन पसंद आया था। मुझे लगता है कि उनके ऑल परफॉर्मेंस में से ये सबसे अलग थे। दोस्तों अब ये देखना बाकी है कि ये दोनों सितारे एक साथ कब आते हैं। दोस्तों अजय और काजोल की जोड़ी आपको कैसी लगती है, आप कमेंट कर अपनी अमूल्य राय जरूर देना। धन्यवाद। Good time.